नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम हिंदी व्याकरण में पत्तर लेखन के बारे में पढ़ेंगे तथा उसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से उस विषय को समझेंगे और अच्छे से फिर अपनी कार्यपत्रिका के माध्यम से उसको लिखकर और याद करके पेरेंट रजिस्टर में उसका अभ्यास करेंगे। तो हम आज अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पत्र होता क्या है। आज से पहले जब प्राचीन समय में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, तब हम अपने मन के विचार एवं भाव किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते थे, तब हम पत्र लेखन का सहारा लेते थे। आपने देखा होगा कि आपके पूर्वज यानी आपके दादा दादी नाना नानी के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी। उस समय के लोग अपने मन की भावनाएं दूसरों के सामने, दूर बैठे रिश्तेदारों के सामने रखने के लिए पत्र का सहारा लेते थे। वो खत के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाते थे। प्यारे बच्चों, जो पत्र लेखन है वो एक लिखित नमूना होता है, उसको हम लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जब हम अपनी बात मौखिक रूप से किसी के सामने नहीं पहुंचा पाते, तो हम लिखित रूप में उस बात को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब पत्र के द्वारा ही संभव होता है। प्यारे बच्चों, आपके मन में अगर कोई भी बात हो और आप अपने भाव अपने माता पिता या दोस्तों के आगे प्रकट नहीं कर पाए, तो आप लिखकर भी अपने विचार उन तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको अपनी बात कहने का मौका भी मिल जाएगा और आपके अंदर कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी कि आप कह नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप लिखकर अपनी बात प्रकट करेंगे तो आप अच्छे से उन तक अपनी अभिव्यक्ति पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें जब हमारे पूर्वज अपनी बात दूसरों के सामने रखते थे, तब वो खत के माध्यम से उनको अपनी बात बताते थे। तो ये हमारा जो पत्र लेखन है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन आज के युग में भी हमें पत्र लेखन की आवश्यकता होती है। जब हम किसी कार्यालय में अपनी कोई भी समस्या को लेकर उनको पत्र लिखते हैं, तब हमें पत्र लिखित रूप से ही लिखना होता है। तो उसके लिए हमें पत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें जानना आवश्यक हो जाता है। इसलिए आज हम अच्छे से समझेंगे कि पत्र का अर्थ क्या होता है एवं पत्र कितने प्रकार का होता है। तो सभी जानने के लिए उत्सुक है ना कि पत्र लेखन होता क्या है। सबसे पहले तो बच्चों, आपको ये समझना है कि ये हमारे लेखन कौशल की एक, ये कहूँ मैं कि एक कला है। जब तक आपको लिखने की कला नहीं आती, तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं लिख पाते हैं। तो जो पत्र लिखते हैं उनके अंदर एक कला होती है, वो इस कला के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पत्र का अर्थ क्या होता है। तो ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, मतलब एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिस पर आप अपनी कोई भी बात लिखते हैं या आपको कहीं लिखी हुई दिखाई देती है, वो क्या होता है, वो होता है पत्र। अब बात करते हैं कि पत्र कितने प्रकार का होता है। तो देखते हैं, पत्र दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, औपचारिक और अनौपचारिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। बच्चों, ये पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं होता, यानी हम उनको जान तो सकते हैं, हो सकता है हम उनको जानते हो या नहीं भी जानते हो, लेकिन हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं होता, हम उनके रिश्तेदार नहीं होते। ये पत्र हम कार्यालयों में अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कक्षा अध्यापिका या अन्य स्थानों जैसे संपादक महोदय आदि को लिखते हैं। इन्हें हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपने पिछली कक्षा में देखा होगा, पढ़ा होगा कि आपको प्रार्थना पत्र लिखना है।
कई बार ऐसा होता था ना कि हम आपको पत्र लेखन लिखना सिखाते और आपको बताते हैं कि आज आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या आज आपको औपचारिक पत्र लिखना है या आज अनौपचारिक पत्र। ये चीजें हम पिछली कक्षा में भी पढ़कर आए हैं ना, तो अब याद आ रहा होगा आपको जो मैं बता रही हूँ कि हाँ हमने प्रार्थना पत्र के बारे में सुना है। तो जो हमारा औपचारिक पत्र होता है उसे ही हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। ये पत्र हम अपने विद्यालय के मुखिया या संपादक या अपनी कक्षा अध्यापिका को लिखते हैं। तो आ गया होगा समझ में औपचारिक पत्र क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। बच्चों इसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, मतलब अब तो समझ गए होंगे आप कि इसे हम अपने रिश्तेदारों दोस्तों तथा सगे संबंधियों को लिखते हैं। हम किसी विषय पर अगर अपने दोस्तों के साथ चर्चा करते हैं तो वो अपनी सारी बातें हम इस पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचा देते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता में जीते हैं या आपका कोई मित्र किसी प्रतियोगिता में जीता है तो आप उसको बधाई देने के लिए पत्र लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो पत्र होते हैं वो हम इसमें लेते हैं अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। इन सब पत्रों को हम रखते हैं। अब आपको ये चीजें समझ आ गई कि पत्र क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं कि जब हम कोई भी पत्र लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कि हमें पत्र को लिखते समय क्या क्या बातें जाननी आवश्यक है या इन किन किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। बच्चों जब तक आप भी कोई भी भाषा एक सरल तरीके से नहीं लिखोगे, एक सटीक रूप में नहीं दोगे, तब तक सामने वाले को समझ नहीं आएगा। इसलिए हमें जब भी कोई पत्र लिखना हो तो हमारी भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो नंबर है उस पर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पत्र में लिखे वाक्य लंबे ना हो। बच्चों जब भी आप कोई पत्र लिखो तो वहां पर आपको लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने, क्योंकि आप ज्यादा लंबे वाक्य बनाओगे तो पढ़ने वाले को अटपटा सा लगेगा, वो उनका भाव नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपको जब भी पत्र लिखें आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। समझ गए? अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि लिखावट साफ व सुंदर होनी चाहिए। बच्चों जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारी जो लिखावट है वो साफ एवं सुंदर होनी चाहिए, हमारी वर्तनी सही होनी चाहिए। क्योंकि जब हम साफ साफ लिखेंगे तो सामने वाला आनंद लेकर उस चीज को पढ़ेगा, और जब वो अच्छे से पढ़ेगा आनंद लेके पढ़ेगा तो उसको चीजें या आपके मन के भाव अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसलिए आपको लिखावट अच्छी अच्छी लिखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विराम चिन्ह सही स्थान पर लगे हो। विराम चिन्ह का मतलब होता है कि जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में हम अल्प विराम विराम पूर्ण विराम आदि जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो हमें सही स्थान पर लगाना चाहिए, ताकि जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं वो एक सही रूप में सामने वाले तक पहुंचे। जैसे अगर मैं आपको बोलूं रुको मत, फिर मैं अल्प विराम लगाऊं और फिर मैं कहूं आगे बढ़ो, तो आप समझ जाओगे कि मैम कह रही है कि रुकना नहीं है, आगे निरंतर चलते रहना है। या फिर मैं कहूं रुको, उसके बाद मैं अल्प विराम लगा दूं, फिर मैं बोलूं रुको मत आगे बढ़ो, तो मैं रुको से पहले अल्प विराम लगा दूं फिर बोलूं मत आगे बढ़ो, तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। उसका मतलब होगा कि अध्यापिका जी कह रही यही रुक जाओ आगे मत बढ़ो। इसलिए इन दोनों वाक्यों में अंतर हमें किससे समझ में आया कि हमने जो विराम चिन्ह लगाया है वो हमने सही तरीके से नहीं लगाया। इसलिए बच्चों जब भी आप अपने पत्र को लिखते हो तो वहां पर आपको अपने विराम चिन्हों का प्रयोग सही स्थान पर लगाना चाहिए। आगे देखते हैं, पत्र में अपनी बात कम से कम शब्दों में हो। मतलब जब भी हम कोई पत्र लिखेंगे तो वहां पर हमारी बात कम से कम शब्दों में एवं
सुंदर होने चाहिए। सुंदर का मतलब हमारे जो भाव हैं, हमारे जो शब्द हैं, वो सही होने चाहिए, उनका एक सटीक अर्थ निकलना चाहिए जो देखते ही लोगों के समझ में आ जाए। जो हमारे अपने मन के भाव हैं, जो हम उस पत्र के माध्यम से सामने वाले को बताना चाहते, वो एक अर्थपूर्ण ढंग से हों परंतु छोटे हों। चलिए आगे देखते हैं, उचित संबोधन का प्रयोग करें। बच्चों, जब भी आप किसी को पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर आप पत्र लिखने वाले के लिए जो संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे वो सही होना चाहिए, सम्मानीय होना चाहिए, ताकि पत्र पढ़ने वाले को अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ, सामने वाला उसे पूरा सम्मान दे रहा है, आदर के साथ अपनी बातें कह रहा है। इसलिए जब भी आप पत्र लिखें, पत्र चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, आपको अच्छे से लिखना है और अपनी बात अच्छे से उनके सामने समझानी है। समझ गए ना? अति सुंदर। बच्चों, आज हमने सीखा कि पत्र क्या होता है एवं पत्र के कितने प्रकार होते हैं। अब उसके बाद हमने देखा कि पत्र जब हम लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप जान गए हो कि पत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है एवं कैसे लिखना है। आज आप सभी को एक कार्य करना है, आज आप सभी को एक एक पत्र अपने मन से लिखना है, अपने दोस्तों को लिखना है या अपने परिचित लोगों को लिखना है। उसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं या आपकी कक्षा अध्यापिका या आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी भी हो सकते हैं। ये आपको मैं अपने से लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको परख हो जाए कि आज आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है। और जब आप औपचारिक पत्र लिखेंगे तो वो आपका प्रार्थना पत्र के अनुसार आपको लिखना है, क्योंकि वो पत्र आप किसी कार्यालय में या किसी विद्यालय के अध्यापक के को लिखेंगे, अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। या फिर आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर आप अपने रिश्तेदारों, परिचितों या मित्रों को पत्र लिखेंगे, वहाँ पर आप अपनी कोई भी बात उनके साथ साझा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका जिसमें आपको पत्र लेखन लिखना है, मैं आपको जल्दी ही दे दूंगी। आपको कार्यपत्रिका में जो पत्र मिलेगा उसको आपको अपनी जांच कॉपी में लिखना है, उसके बाद आपको उसको याद करना है, और याद करने के बाद आप क्या करेंगे ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि उसको आपको याद करके कहाँ पर लिखना है। चलिए बताइए आपको वो कहाँ पर लिखना है जब आप याद कर लेंगे। बिल्कुल सही, वो आपको पेरेंट रजिस्टर में लिखना है। समझ गए ना? हाँ, तो जब वो पत्र आपको मिलेगा कार्यपत्रिका के माध्यम से तो आपको सबसे पहले अपनी जांच कॉपी में लिखना है, फिर आपको याद करके पेरेंट रजिस्टर में लिखना है। जब आप अच्छे से लिख लें तो आप अपनी कक्षा अध्यापिका को उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। मिलती हूँ बच्चों एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कार्य जो पत्र लेखन मैंने आपको समझाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप कोई भी गलती नहीं करेंगे कि पत्र क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। तो इतनी उम्मीद तो मैं आप लोगों से रख सकती हूँ ना कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बच्चों, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।